बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तीन अलग अलग क्षेत्र में घटित हुई तस्करों के चंगुल से 21 मवेशी छुड़ाए हैं। तस्करों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से बुधवार को भी मोमिनपुरा अंसार नगर डोंबिवली में पुलिस ने छापा मारकर कार्रवाई कर करीब 7 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। तहसील पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तस्करों के चंगुल से 21 मवेशी को छुड़ाए हैं। देर रात तक चली इस कार्रवाई से कुछ समय के लिए तनाव का माहौल भी बना रहा। आपको बता दें कि मंगलवार से तस्करों के खिलाफ जारी कार्रवाई से बुधवार को भी मोमिनपुरा अंसार नगर डोंबी नगर में पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दबिश देकर खुले मैदान में बांध कर रखे 21 मवेशियों को मुक्त किया है। काल पुलिस स्टेशन तहसील तसेच क्राइम युनिट 3 यांनी मोमिनपुरा भागातील अंसार नगर येथे एक संयुक्त कारवाई केली। त्यामध्ये 21 गोवंश जातीचे जनावरे जे आहे ते ताब्यात घेण्यात आले आणि या कारवाईत 3 वेगवेगळे गुन्हे दाखल करून 9 आरोपी निष्पन्न करण्यात आलेले आहेत आणि गोवंश जातीचे जे 21 जनावर ज्यांची किंमत 2,70,000-60,000 आहे तर त्यांना पुढील संरक्षणाकामी पाठवण्यात आले। ही कारवाई मोमिनपुरा भागात अंसार नगर परिसरात झालेली आहे आणि ही संयुक्त कारवाई आहे। जुने गुन्हे असण्याची देखील आम्हाला आढळून येत आहे, त्याची आम्ही पुढील तपास करीत आहोत। आपको बता दें कि पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर इकबाल अंसारी, अशफाक अंसारी से 4 गाय बरामद की है, तो वहीं राशिद कुरैशी, रिज्जू कुरैशी, आतिक कुरैशी, नदीम कुरैशी से 3 गाय, साथ ही मुश्ताक भाई अंसारी, पहलवान अंसारी, इनसे करीब 2,60,000 का माल जब्त किया है। गौरतलब रहे कि कार्रवाई के दौरान मालिक के तौर पर एक भी व्यक्ति खुलकर पुलिस के सामने नहीं आया, हालांकि पुलिस को तस्करों के नाम पता चल गए हैं। एनबीसी न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।